अगर आपके बच्चे भी मोबाइल में खेलते हैं ऑनलाइन गेम तो हो जाइए सावधान, हो सकता है बच्चों का भविष्य खराब। बार बार मना करने पर भी बच्चे नहीं छोड़ रहे हैं मोबाइल। किलर गेम से दूर रखने के लिए अपनाएं आसान तरीके। ऑनलाइन गेम बच्चों के लिए साबित हो सकता है खतरनाक, बच्चों को हो सकती है खतरनाक बीमारियां। आज के इस डिजिटल दौर में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास मोबाइल फोन ना हो, या ये कहना गलत नहीं होगा कि आज के समय में मोबाइल फोन मनुष्य की दिनचर्या का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। हम अगर अपने आस पास देखे तो सभी लोग मोबाइल में मगन है। घर हो या ऑफिस, फिर चलता हुआ रास्ता, हर कहीं पर आपको कोई ना कोई मोबाइल का इस्तेमाल करते दिखेगा। अब मोबाइल फोन का दुष्प्रभाव बच्चों पर भी देखने को मिल रहा है। आज के समय में ज्यादातर बच्चे ऑनलाइन गेम खेलने की आदत का शिकार हो चुके हैं, जिसके चलते न सिर्फ बच्चों का मानसिक विकास रुक रहा है बल्कि बच्चों के अंदर यह आदत कई सारी बीमारियां भी पैदा कर रही है। और आज के समय में हमेशा देखने को मिलता है कि माता पिता कितना भी बच्चे को समझा ले, लेकिन बच्चे मोबाइल फोन का बुरी तरह से शिकार हो चुके हैं और मोबाइल फोन की लत को नहीं छोड़ पा रहे हैं, जिसके चलते बच्चों में बहुत सारी बीमारियां पनपती जा रही हैं। इतना ही नहीं, मोबाइल फोन के ज्यादा इस्तेमाल से बच्चों का भविष्य भी खराब हो रहा है। आज की इस 3 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे बच्चों से मोबाइल की बुरी आदत को छुड़ाएं। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मोबाइल फोन के अधिक इस्तेमाल से बच्चों में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और आखिर मोबाइल फोन की लत से बच्चों का भविष्य कैसे खराब होता है। तो चलिए आपको बताते हैं, मोबाइल फोन के ज्यादा इस्तेमाल से बच्चों की आंखों में तनाव, नींद की परेशानी, मोटापा, मोबाइल फोन के रेडिएशन से कैंसर तक हो सकता है, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं, गर्दन और पीठ की दर्द का समस्या भी शुरू हो जाएगा। इन बीमारियों की वजह से बच्चों का भविष्य भी खतरे में पड़ेगा। अब बात करते हैं मोबाइल फोन के अधिक इस्तेमाल से बच्चों का भविष्य खराब होने से कैसे बचाया जाए। जब से इंटरनेट के माध्यम से बैटल ग्राउंड गेम जैसे पबजी, जीटीए आदि आए हैं, यह गेम एक जहर की तरह बच्चों में फैल रहा है और लगातार इन गेम्स को खेलने वाले बच्चों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। इससे बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य तो खराब हो ही रहा है, साथ ही बहुत सारी शारीरिक समस्याएं भी पैदा हो रही हैं, क्योंकि अधिक समय तक बच्चे मोबाइल पर समय बिताते हैं और अधिक समय मोबाइल पर बिताने की वजह से बच्चे बाहर खेलने नहीं जा पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी शारीरिक गतिविधियां कम होती हैं और शारीरिक गतिविधियां कम होने के कारण बहुत सारी बीमारियां शरीर के अंदर पनपती हैं। मोबाइल फोन के चक्कर में बच्चे आउटडोर गेम बिल्कुल भी भूल गए हैं, घर में कैद होकर इंडोर गेम बहुत पसंद करते हैं। अगर लगातार बच्चे मोबाइल फोन पर ऐसे ही गेम खेलते रहे तो उनके भविष्य पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। जितना जल्दी हो सके बच्चों को मोबाइल फोन से दूर रखना चाहिए, जिससे कि बच्चों का भविष्य उज्जवल बन सके। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कैसे बच्चों की मोबाइल फोन के इस्तेमाल करने की बुरी आदत को हम छुड़वा सकते हैं। बच्चों को मोबाइल पर गेम खेलना बेहद पसंद होता है, जिसकी उन्हें लत लग जाती है। मोबाइल पर गेम खेलने के चक्कर में बच्चे समय से ना तो खाते हैं, ना ही उनका पढ़ाई में मन लगता है। मोबाइल पर लंबे समय तक गेम खेलने से बच्चों की नजर भी कमजोर होने लगती है। मोबाइल की लत छुड़वाने के लिए आप बच्चों को आउटडोर गेम्स और एक्टिविटी में बिजी रखें। बच्चों के साथ आप गार्डनिंग कर सकते हैं और उसे भी आप गुण सिखा सकते हैं। इसके अलावा आप बच्चों को साइकिल चलाना सिखाएं और उसे डेली कम से कम 15 से 30 मिनट के लिए साइकिल चलाने के लिए प्रेरित करें। आप बच्चे को क्रिकेट, बैडमिंटन जैसे अन्य गेमों को खेलने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। बच्चे को कम उम्र में मोबाइल फोन खरीद कर ना दें। वहीं अगर वह आपका मोबाइल इस्तेमाल करता है तो इसका भी एक समय निर्धारित करें। अगर बच्चा ज्यादा मोबाइल चलाता है तो उसे प्यार से मना करें और उसके साथ वक्त बिताएं, ताकि वह बिजी रहे। वर्किंग पेरेंट्स अपने बच्चों को हफ्ते भर में पूरा होने वाले टास्क दें। ऐसा करने से जब बच्चा टास्क को पूरा करने में बिजी रहेगा तो वह मोबाइल फोन कम चलाएगा। आप बच्चे को नई नई एक्टिविटीज में बिजी रख सकते हैं। आपका बच्चा जितना बिजी रहेगा उतना ही मोबाइल से दूर रहेगा। अब आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा, और खबर अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।